सत्यकाल अलैकुम। उम्मीद करता हूँ चलो खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो मेरी इलेक्शन वीडियो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक बयान है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है सोने चांदी से मिलकर बना बोलने वाला बैल। तो देखते हैं कि वो कौन सा बैल है जो सोने और चांदी से मिलकर बना है, और सेकेंड जो चीज़ है कि वो बोलता भी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से देखते हैं उस बोलने वाले बैल को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कौन है निकला है गुल का कब डालिए हुए। ये उन्हीं यहूदियों के मुतालिक आयात चल रही हैं जिनमें ये बात गुजर चुकी। कल मैं आपसे कह रहा था कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जमात आई, उन्होंने सवाल किया कि आसमान से किताब उतार कर हमें दिखाएं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो आपसे ये सवाल किए हैं कि आसमान से किताब उतार करके दिखाएं, इससे भी बड़ा सवाल इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से किया था। क्या सवाल किया था? अरिनल्लाह जहरतन, अल्लाह को खुले तौर पर हमें दिखवाओ, हमें अल्लाह का दीदार कराओ, तब हम ईमान लाएंगे। तो ये इस तरह की जमात है, इससे भी बड़ा सवाल कर चुकी है मूसा अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ताला ने फरमाया उनकी इन्हीं हरकतों पर अल्लाह ने उन पर अज़ाब नाजिल किया, यानी बिजली कड़क जो है उनको आकर घेर चुकी थी। फिर उसके बाद ये इतनी बड़ी निशानियां देख करके अब उन्हें बाज आ जाना चाहिए पुरानी आदतों से। लेकिन उन यहूदियों की एक आदत ये भी हुई कि वो बछड़े की पूजा में लग गए। ये बछड़ा क्या था, क्या पूजा हुई इसकी तारीख़ है, सूरह बकरा में भी इसकी बात गुजर चुकी है और 16वें पारे में सूरह ताहा में भी इसका तذکرہ मौजूद है। बात दर हकीकत ये थी कि मूसा अलैहि सलाम की जमात में सामरी नाम का एक शख्स था। सामरी हज़रत मूसा अलैहि सलातो तस्लीम की उम्मत में से है और करीबी था। जब फिरौन के लश्कर ने पीछा किया मूसा अलैहि सलाम की कौम का, ईमान वालों का, और फिरौन का लश्कर बहुत भारी बड़ा हमलावर हुआ, मूसा अलैहि सलाम अपनी जमात को लेकर के निकले। अब ऐसी जगह पर पहुँचे कि सामने समंदर है और पीछे फिरौन का लश्कर है, रास्ते बंद हो चुके थे। आगे जाते तो समंदर में डूबना है, पीछे जाएं तो फिरौन के लश्कर ही हिला करेंगे। तो इस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहि सलाम की मदद के लिए उन पर वही फरमाई, ऐ मूसा तुम अपने असा को समंदर पे मारो। तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने समंदर पे मारा तो 12 रास्ते उसमें निकले, 12 रास्ते खुले हुए रास्ते, ऐसे कि धूल उड़ती थी समंदर के दरमियान। अब मूसा अलैहि सलाम की उम्मत में 12 कबीले थे, 12 ख़ानदान थे। इन हर एक कबीले को मूसा अलैहि सलाम ने हुक्म फरमाया कि एक एक अपना रास्ता ले ले और निकल जाए समंदर के दूसरे तरफ। मूसा अलैहि सलाम की जमात उन रास्तों पर चल पड़ी। फिरौन की लश्करी पीछा करते करते करीब तक आ गए। अब उन्होंने देखा कि मूसा अलैहि सलाम और उनकी जमात तो खुले रास्तों में जा रही है समंदर के दरमियान। तो इन्होंने, फिरौन के तमाम लश्करियों ने, ये सोचा कि हम भी इन रास्तों पर क्यों ना चले जाएं। तो सारी फ़ौज इस रास्ते पर आ गई। जब ये दरमियान में पहुँचे अल्लाह ने समंदर को वापस फिर से मिला दिया, जैसा था समंदर वैसी, सब के सब गर्क हो गए, फिरौन भी उसमें डूब गया, पानी की मौजों ने उसे गर्क कर दिया। मूसा अलैहि सलाम सही सलामत बाहर निकले। ये वाकया आपने सुना होगा और कुरान पाक में इसका तज़किरा आया है। अब मूसा अलैहि सलाम जब समंदर को अबूर करके दूसरे सम्त में आए तो यहाँ अब मामला ये था कि अपनी कौम को मूसा अलैहि सलाम ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया। यह आशूरा का दिन था, शुक्राने में उन्होंने रोज़ा रखा, इबादत किया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कोहे तूर पर बुलाया। तूर एक पहाड़ है, आज भी मिस्र में सेना एक इलाका है और इतनी लंबी पहाड़ियों का सिलसिला है कि ख़त्म नहीं होता। तकरीबन 100 किलोमीटर तक भी आप जाएं तो पहाड़ ही है, बीच में कोई गैप नहीं मिलेगा, ये पहाड़ियों का सिलसिला है। और उन्हीं में से एक पहाड़ है सेना।
उसको तूर सेना उसको कहते हैं। उस पहाड़ी को मुकद्दस कहा गया है इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को नायब बना कर के गए। हारून अलैहिस्सलाम तबीयत के बड़े नरम मिजाज थे, बड़े नरम से। मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल और उनके तमाम रौब व दबदबे से लोग खौफ खाते थे, डरते थे। हारून अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा मामला नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए तो 40 दिन तक क़याम किया, वापस नहीं आए अपनी कौम के पास। 40 दिन तक वहीं ठहरे रहे क्योंकि तौरात उतर रही थी। कोहे तूर पर जब आप गए तो तौरात जो अल्लाह की किताब है वो उतारी जा रही थी। 40 दिन लग गए तो 40 दिन जो ये गैप हुआ मूसा अलैहिस्सलाम का, यहाँ इनकी कौम में कुछ खराबियाँ शुरू हो गईं, कुछ बुराइयाँ शुरू हुई, कुछ नहीं बल्कि बड़ी भयानक बुराइयाँ। सामरी नाम का जो शख्स जिसके मुतालिक मैंने कहा, ये बहुत ही चालाक आदमी था, चतुर आदमी था। इसने सारे लोगों के पास जो जो सोना चांदी था सब जमा करवा लिया। सब ने सोना चांदी जमा किया। क्यों? वो कह रहा था मैं तुम्हारा खुदा सामने दिखाऊंगा तुम्हें। हो सकता है उस ज़माने का वो ढकोसला पीर होगा, जैसे आज भेजे में दिखाने वाले हैं, उस वक्त वो मेटल में दिखा रहा था। तो उसने कहा कि तुम सब के सब सोना और चांदी लेकर के आओ। सब लेकर के आए, जिसके पास जितना सोना चांदी था वो सब ला कर के जमा किए। अब वो काफ़ी बड़ी तादाद में हुआ। अब सामरी ने क्या किया, ये सोना चांदी सबका लेकर के मेल्ट किया, उसको मेल्ट किया, गर्मा करके पिघलाया, पिघला करके उससे एक बछड़ा बनाया, बैल का बच्चा। और बछड़ा जब सोने और चांदी के सारे धातुओं से मिलकर के बना तो बड़ा खूबसूरत बछड़ा था। वल्लाह आलम उसके जहन में क्या बात थी, क्या चल रहा था उसके दिमाग में। हो सकता है उस ज़माने का वो बहुत ही ज़हीन व फतीन आदमी हो। तो उसने बछड़े को बनाने के बाद अब किया क्या, उस बछड़े में कुछ ऐसी चीज़ डाल दी जिससे वो बछड़ा बोलने के काबिल हुआ। सेल नहीं, बैटरी नहीं, या कंप्यूटर का ज़माना नहीं, बछड़ा साफ बोलता था। लोग अपनी हाजतें लेकर के आते थे, बछड़ा उनसे बात करता था। अब सामरी ने क्या कहा, इस बछड़े को बना करके कहा, इलाहुना व इलाहु मूसा, मूसा का खुदा भी यही है और हमारा खुदा भी यही है। मूसा तूर पर गए हैं, खुदा हमारे पास आ गया है। तो सबके दिमाग में बात आ गई। उस ज़माने में जाहिर सी बात है बछड़ा बोलेगा तो ताज्जुब ही की बात होगी। 4000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज से आप में से बड़े हजरात भी यहाँ पर मौजूद होंगे, मोबाइल का तस्वीर भी नहीं रहा होगा कि कोई डब्बा ऐसा होगा छोटा सा जिसमें से बात आ सकती है। फ़ोन को ही लेकर के, वायरलेस फ़ोन को ही लेकर के लोग अजब अजब हरकतें करते थे। हम मोबाइल के भी ज़माने को अभी अभी देख रहे हैं ना। अब जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मोबाइल बग़ैर वायर के कनेक्शन के एक जगह से दूसरी जगह कैसे बात करा देगा। बात नहीं, पूरी वीडियो करके एक दूसरे को दिखा भी देता है। ये चंद सालों पहले नहीं था। तो हमारे जो बाप दादा थे उनके लिए तो ताज्जुब का ही मकाम होगा ना। अब ये 3000-4000 साल के अरसे पहले की बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में अगर कोई बछड़ा बोलने लगे, बात करने लगे, तो क्या ताज्जुब की बात नहीं? आज भी ताज्जुब की बात है। जब गणपति बोल रही है या दूध पी रही है तो लोग उसकी पूजा के लिए हैं, जाते हैं, होता नहीं है? बात मशहूर होती है कहीं कहीं की, हम तो जाकर देखे नहीं है, होता होगा, हमें तो मालूम नहीं है। लेकिन आज भी इस तरक्की याफ्ता ज़माने में, बैटरी का ज़माना है, सेल का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन इक्का दुक्का खबरें आज भी किसी गांव से आती हैं कि फलां भगवान दूध पी रहे हैं या लड्डू खा रहे हैं। तो लोग यकीन भी करते हैं और उसकी तरफ चढ़ावे ज़्यादा भी होते हैं।
तो अब आप अंदाजा करो 3000 साल पहले जब सामरी ने बछड़े को लाइव बोलता हुआ दिखा दिया तो क्या उनके अकीदों का क्या हाल हुआ होगा। इसीलिए मेजॉरिटी उसमें उसकी इबादत में लग गए, बछड़े की ऐसी मोहब्बत रच बस गई कि सजदा भी उसे करने लगे, मांगने भी उससे लगे, एतिकाफ भी करने लगे, नजर नियाज भी करने लगे, मन्नतें करने लग गए बछड़े के सामने। ये 40 दिन में इतना सा बुरा हाल हो गया ईमान वाली कौम का, फिरौन का नहीं, ईमान वाली कौम का ये हाल हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के बाद वापस तशरीफ लाए। अच्छा, इन दिनों में आपके जहन में ये सवाल आ सकता है हारून अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं और उनको वो नायब बना करके भेजे थे। हारून अलैहिस्सलाम को जो मना करना था वो मना करते रहे, लेकिन अक्सरियत जो है वो सामरी के जादू को देख करके उस तरफ चल पड़ी। तो जो लोग बच गए वो हारून अलैहिस्सलाम के साथ थे, चंद ईमान वाले बचे रहे, और हर ज़माने में ईमान वालों की तादाद रहेगी, ऐसा नहीं कि पूरे रुए ज़मीन पर ख़त्म हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम नहीं थे तब भी ईमान वाले मौजूद रहे हारून अलैहिस्सलाम के साथ। 40 दिन के बाद वापस तशरीफ लाए मूसा अलैहिस्सलाम तूर से, देखा अपनी कौम को, ये क्या हो गया, तुम लोगों ने बछड़े को कैसे माबूद बना लिया। और फिर उसके बाद सामरी को गिरफ्तार करके मूसा अलैहिस्सलाम ले आए, तूने बड़ा खुला शिर्क किया, तेरा कत्ल वाजिब है, अब तुझे मारा जाएगा। लेकिन ये तो बता, इसको बोलने के काबिल तूने बनाया कैसे, लोगों का सोना चांदी सब मेल्ट किया, अब बनाया कैसे तूने इसको। खैर है, आप देखें सामरी उस ज़माने में बछड़े को बोलने के काबिल तो बनाया, लेकिन बछड़े के भेजे में खुदा नहीं दिखाया। ये इस ज़माने का कमाल है, वो जादू जिस तरह से भी किया होगा लेकिन उसने कहा यही खुदा है। अब आप अंदाज़ा करें मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब उससे सवाल किया, अब वो जवाब क्या देता है, बसुरतु बिमा लम यबसुरु बिही फ़क़बदतु क़ब्ज़तन मिन अथर रसूली फ़नबज़्तुहा वकज़ालिका सव्वलत ली नफ़्सी। ये 16वें पारे में है। जब हम समंदर का रास्ता तय करके आगे आ रहे थे, उस वक्त मामला ये था, मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम घोड़े पर सवार थे, मूसा अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार थे। अब सामरी कहता है मैंने एक चीज़ ऐसी देखी जो लोगों ने नहीं देखी, आम लोग नहीं देख रहे थे, क्या? मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के घोड़े के आगे आगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम चल रहे थे। वो शायद चाहे वो घोड़े की रस्सी पकड़ करके या बागडोर संभाले हुए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम चल रहे थे। ये कहता है सामरी मुझे कुछ तो नज़र आ रहा था कि कोई नूरी मखलूक आगे चल रही है। तो क्या हुआ फिर? वो कहता है कि मैं जिब्राइल के पाँव के नीचे की मट्टी उठाता रहा। कुरान में है ये, जहाँ जहाँ से वो चलते जा रहे थे उनके पैरों के नीचे की मैं मट्टी उठा रहा था। फ़क़बदतु क़ब्ज़तन मिन अथर रसूल, उस कासिद उस फरिश्ते के पैरों के नीचे की मट्टी मैं उठाया। फिर क्या किया? कहा वही मट्टी, उसी मट्टी को लाकर मैंने बछड़े के मुंह में डाला, ये बोलने लग गया। अल्लाहु अकबर, ये कुरान का फ़लसफ़ा है मेरे अजीज़ों। यहाँ से कई बातें हमें समझ में आती। ये कौन सा बछड़ा था जिसका तذکرہ चल रहा है यहाँ पर? वही बछड़ा है। अब इबादत इतने सारे लोगों ने क्यों किया ये भी आपको समझ में आ गया। उस ज़माने का वो बहुत बड़ा कमाल था, बहुत बड़ा। ये इस ज़माने में कमाल समझते हैं, कह तो रहा हूँ मैं, भगवान जब दूध पीने लगे लड्डू खाने लगे तो इस ज़माने में कमाल समझते हैं। 3000 साल पहले क्या हाल हो? अब आप हज़ारों लोग उसमें जो गुमराह हुए थे शिर्क किए, हुक्म उनके लिए ये आया कि इन सबको कत्ल कर दिया जाए, सारे लोगों को मार दिया गया कत्ल। वो सख्त तरीन हुक्म था बनी इसराइल के लिए, वो कत्ल हो गए। जितने इबादत किए थे बछड़े की वो सब ख़त्म हो गए। अब अंदाज़ा करें आप, यहाँ से कई बातें इससे समझ में आती हैं।
सामरी का भी कत्ल हुआ, उसके पीछे जितने लोग चले थे उसका उनका भी कत्ल हुआ। सबसे पहली चीज़ इस वाक़े से हमें जो चीज़ें मिलती हैं निकल करके, वो क्या क्या हैं? पहली चीज़ तो ये है कि कौम से जब रहबर दूर होता है तो कौम बिगड़ जाती है। पहली चीज़ ये है, इसीलिए कहा गया कि ज़्यादा देर तक कौम को खाली ना छोड़ा जाए। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, जिस कौम का कोई इमाम नहीं, जिसकी गर्दन में किसी की बैत नहीं, तो वो शैतान का खिलौना बन जाता है। शैतान उसे इधर खींचता है उधर खींचता है। यदुल्लाह अलल जमा, अल्लाह का दस्ते कुदरत पूरी जमात पर है, जिसकी कोई गाइडिंग कर रहा हो, लीडिंग कर रहा हो, इमाम हो। मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार, हुजूर फरमाते हैं जो जमात से हटा उसे तनहा जहन्नम में डाला जाएगा। जमात का मतलब क्या है? यही तमाम यूनिटी इस्लाम और मुसलमानों की। अजीज़ा ने गिरामी, 40 दिन मूसा अलैहिस्सलाम नहीं थे अपनी कौम के साथ तो क्या हुआ? सब बछड़े की पूजा में लग गए। अब यहाँ अंदाज़ा करें आप, बरसों बरस जिनके दरमियान कोई शेख ना हो, कोई आलिम बामल ना हो, कोई इनकी सही तरबियत करने वाला ना हो, तो फिर क्या होगा? सब हवस के पुजारी हो जाएंगे। ये और बात है कि अल्लाह ने बचा रखा है, आज बछड़े की पूजा तो नहीं कर रहे लेकिन अपनी ख्वाहिशात की पूजा तो कर रहे हैं। आज तकरीबन जो मर्जी में आई उस चीज़ को अमल कर ले जाना, ये पूजा ही तो है। हर ख्वाहिश को पूरी कर लेना कि अभी अभी हमने सोचा, और ये होना ही है। इसीलिए कुरान कहता है, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ऐ रसूल क्या आपने देखा कुछ वो लोग हैं जो अपने ख्वाहिशों को माबूद बनाए हुए हैं, अपने ख्वाहिशों को खुदा बनाए हुए हैं। कैसे? देखें, खुदा वो है जिसकी हर बात मानी जाएगी, है ना? खुदा की हर बात मानना ज़रूरी है? अगर एक भी बात का इनकार किया खुदा की तो तुम बंदे नहीं हो। खुदा की हर बात मानी जाती है जिस तरह से, इस तरह बाज बंदे ऐसे हैं जो अपनी तबीयत की हर बात मानने को तैयार हैं। ना मानो हर बात इसकी, हर बात इसकी ना मानो, और इसको तुम खुदा का दर्जा दोगे तो होगा क्या? अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल से फरमाता है, क्या ऐ हबीब ऐसे लोगों की आप सिफारिश करेंगे जो सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात की पूजा कर रहे हों? अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, जिस तरह से बनी इसराइल बछड़े की पूजा में लग गए, मुझे ऐसा लगता है इस दौर में बहुत सारे लोग अपनी ख्वाहिशात की पूजा में लग गए। उन्हें किसी चीज़ की ख्वाहिश थी जिसकी वजह उसको पूरा करने के लिए वो हर काम करना के लिए तैयार है। एक कुर्सी चाहिए, एक कुर्सी चाहिए, ये तुम्हारी ख्वाहिश है। अब ये कुर्सी की ख्वाहिश तुमसे हर काम करा लेती है, ये इबादत नहीं है तो और क्या है? तुम अपनी ख्वाहिशात की बात, एक वक्त का तुम्हें गोश्त चाहिए था खाने के लिए, पैसे नहीं थे लेकिन ख्वाहिश को पूरी करना है, यही ख्वाहिशात ने तुम्हें चोरी कराया या धोखा दिलवाया, धोखा देने पर आमादा किया। ये तमाम चीज़ें करके तुम उस बर्तन तक पहुँचते हो जो तुम्हारी ख्वाहिश है। हर ख्वाहिश को पूरी करना ज़रूरी नहीं। अब एक बात इस वाक़े से एक जो सबसे बड़ा सबक मिला वो ये है कि कौम के दरमियान उनका रहबर उसका होना ज़रूरी है, और कौम बग़ैर रहबर और रहनुमा के, बग़ैर आलिम दीन के ना रहे। वो अंबिया थे और उलमा नायब अंबिया हैं। हर जमात में, हर कौम में, हर मोहल्ले में एक आलिम का होना ज़रूरी है जो उनकी इस्लाह करे, उनकी तरबियत करता रहे। और इनको बरसों बरस छोड़े रहोगे तो दिलों में जंग लग जाएगा जो आज हो रहा है। दूसरी चीज़ इस वाक़े से ये भी पता चलती, ये एक तो 40 दिन का गैप जो इस कौम को शिर्क में ले आया, दूसरा इससे जो मिलता है कि कौम हमेशा जो है चमत्कार को, जो दिखने वाली है उसकी तरफ बढ़ जाती है, हमेशा होता है। क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम थे जमात में तो आपने ऐसा कुछ दिखाया नहीं, यानी बोलता हुआ बछड़ा, बोलता हुआ कुत्ता दिखाया नहीं,
जबकि वो भी नबी हैं। और सामरी ने दिखा दिया तो कौम ने किसकी तरफ रुख किया? सामरी की तरफ। इससे पता ये चलता है अक्सर लोग जो है उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो चमक रही है चीज़। ऐसा ना करो मेरे अजीजों, ये गुमराही है, गुमराही है। आज के ज़माने में हो सकता है तुम्हें कोई ऐसा करके दिखाए, ऐसा करके दिखाए। आओ हमारी इबादत खाने में, हम तुमको दिखाते हैं कि कैसे हमारा खुदा बोलता है। तुमने वहाँ देख लिया, फिर यहाँ मेरे पास आए, कहा कि हजरत वहाँ तो खुदा बोल रहा है, मस्जिद में तो कभी आपने दिखाया नहीं खुदा बोल रहा है। ये सेम वही चीज़ है जो बनी इसराइल के साथ हुई। सामरी बछड़े को बुलवा करके दिखाया तो सब शिर्क में मुब्तला हो गए। और हारून अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं दिखाया, लेकिन ये कहा कि अल्लाह एक है, तो चंद ईमान वाले कायम रहे, बाकी उधर चले गए। ऐ मेरे अजीजों, आज के दौर में अगर कोई इस तरह तुम्हारे अकीदे को ख़रीदे तो किसकी तरफ जाओगे, किसकी तरफ जाओगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, चंद साल पहले की बात, शायद मैंने इसको कहा है, दोहरा रहा हूँ। एक साहब आए, पेट के दर्द की शिद्दत थी, उनको तकलीफ़ थी, कई मरतबा आए थे, पानी दम करके भी ले गए, तावीज़ भी ले करके गए। चंद दिनों के बाद बिगड़े हुए तेवर थे उस बंदे के, मुलाकात हुई थी तो पता चला कि पेट का दर्द सही हो गया है। तो मैंने पूछा क्या क्या हालात हैं, कहा कि बस मैं सब छोड़ दिया, एक जगह जा रहा हूँ फलां जगह। क्या है? कहा वो एक पूजा करनी रहती है गोबर को रख करके। कहा कर रहा हूँ। ये कहाँ से आई तुम्हारे अंदर चीज़? उसने कहा फलां बाबा थे, उन्होंने एक लिक्विड दिया पीने के लिए, पेट दर्द सही हो गया। कहा क्या लिक्विड दिया था? कहा आप बुरा मानेंगे हजरत। मैंने कहा क्या चीज़ दिया पीने के लिए? कहा गाय का पेशाब। कहा पी लिया तुमने? कहा पिया, पेट की दर्द की शिद्दत थी। उसके बाद फिर वो कहता है कि मैं पूजा करता हूँ। ये है अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, शैतान इबली से लाइन हो सकता है थोड़ी देर तुम्हारी बीमारियों को सुन करके दिखाए, हो सकता है थोड़ी देर तुम्हारी बीमारियों के ऊपर पर्दा डाल करके दिखाए ताकि तुम्हारा अकीदा ख़राब हो जाए, तुम ये सोचने लग जाओ कि नहीं यहाँ से शिफा मिलती है। ईमान वाला वो है जो अय्यूब अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चले हैं कि बदन में पूरे के पूरे छाले पड़ जाएँ, जिस्म कट जाए, तब भी अय्यूब अलैहिस्सलाम का ईमान ये था कि शिफा मेरा मौला ही देगा, शिफा मेरा अल्लाह देगा। हर चमकने वाली चीज़, हर सामने दिखने वाली चीज़ के ऊपर ईमान लाना ज़रूरी नहीं मेरे अजीज़ों। उसकी सेम ऐसी ही मिसाल देख लें, मेजॉरिटी लोगों की आज कौन से हॉस्पिटल जाती है, कौन से डॉक्टर के पास विज़िट करती है, सबको मालूम है। बेचारे आज BHMS और BUMS वालों की भी हालत ये हो गई है कि वो लोग भी एलोपैथिक की ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनकी फील्ड नहीं है। वो BHMS हैं, BUMS हैं, BHMS वाले होम्योपैथिक उनको करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, BUMS वालों को यूनानी करना चाहिए, BMS वालों को आयुर्वेदिक करना चाहिए, लेकिन वो सब छोड़ चुके। गोलियां यही देंगे, तुमको डोलो चाहिए डोलो ले लो। वजह क्या है? यहाँ क्विक सही होना, फौरन सही होना, ये चमत्कार है एलोपैथिक डॉक्टरों का। इन डॉक्टरों ने अभी गोली दी, शाम में बुखार चली गई, रात को गोली खा के सोए, सुबह तक सर्दी खत्म हो गई। तो इंसान को ऐसा चाहिए आज के ज़माने। ये इस तरह की ख्वाहिश तुम्हें गुमराही की तरफ ले जाएगी। क्यों मेरे अजीज़ों? उन्हीं डॉक्टरों से पूछ लेना जिन्होंने आपको फौरन सही कर दिया हो, एक दिन में सही कर दिया हो, एक बीमारी को सही करके वो चार बीमारियां साइड इफ़ेक्ट में डाल के भेजते हैं। होता है कि नहीं होता मालूम है आपको? हर एक दवा का साइड इफ़ेक्ट है, ये खुद एलोपैथिक पूरा मतलब जो पैनल है वो खुद कहते हैं। अब होना ये चाहिए, एक डॉक्टर साहब हैं BUMS हैं और उसकी थोड़ी बहुत हमें शुद्ध बुद्ध है यूनानी दवाओं की। मेरी उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको आप इम्प्रूव करें, इन दवाओं को और लाएं।
तो उन्होंने कहा क्या करें हजरत, बात ऐसी है कि हमारा असर देर से दिखाता है और लोगों में उतना सब्र नहीं है। वो उसी चीज़ की तरफ जाते हैं कि जुम्मा को गोली खाएं, शनिचर को फिट हो जाएं। एक दिन का उनको चाहिए, इसीलिए हमने खुद अपनी लाइन छोड़ दी है, प्रैक्टिस इस पर कर रहे हैं, दवाइयां वही दे रहे हैं। अजीज़ा ने गिरा में वक़ार, ये चीज़ ज़िंदगी में भी हो रही है, हमारे ज़िंदगी में भी। बनी इसराइल ने वहाँ पर दो मामला थे, एक तरफ हारून अलैहिस्सलाम है जो कह रहे हैं अल्लाह एक है और उसकी बड़ी ताकत है, नहीं मान रहे थे इनकी बात। किसकी तरफ गए? वो सामरी की तरफ, क्योंकि वो दिखा रहा था, बछड़े को बोलने के काबिल बना करके लोगों के सामने लाइफ दिखा रहा था, उसकी तरफ चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि हर लाइफ दिखने वाली चीज़ हकीकत नहीं होती। ईमान को अपने संभालो। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, अनकरीब दज्जाल के ज़माने का आने का ज़माना करीब आ चुका है। दज्जाल के आने का ज़माना अनकरीब है, वो इससे भी बड़े चमत्कार दिखाएगा। तब आप क्या करेंगे? उसे खुदा कह देंगे? वो ज़मीन से सब्ज़े उगा कर दिखाएगा, बारिश बरसा कर दिखाएगा, किसी मुर्दे को ज़िंदा करके दिखा देगा। ये इतनी बड़ी चीज़ें हैं कि लोगों का अकीदा डावाडोल हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से ईमान इतना मजबूत रखो, मैंने अल्लाह को देखा नहीं, अल्लाह है और मेरे नबी ने फरमाया वो एक है, मैं एक ही खुदा मानता हूँ और उस सबसे बड़ा ताकत वाला है, वो भी मैं तस्लीम करता हूँ। ये अकीदे ऐसे हैं जो गायबाना तौर पर तुम्हें कोई भी ताकत हिला ना सके। थोड़ी सी गोलियाँ तुम्हें परेशान ना करें, तुम्हारे बच्चों की बीमारी में किसी ने अगर हाथ रख करके सही कर दिया तो उसकी तरफ ये ना समझ लो कि यही सबसे बड़ा शिफा खाना है, ना, शिफा अल्लाह ही की तरफ से है। अब यहाँ बात जो चल रही थी बछड़े की, इसमें और एक बात, दो चीज़ें मैंने ज़िक्र किया। मूसा अलैहि सलाम का जो इतना गैप था, ये कौम में गुमराही पैदा कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि कौम की आदत यह है कि वो चमत्कार को देख करके फौरन गिरविदा हो जाती है। ऐसा आप ना करें, आप ना करें। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब आलिम दीन ये कह दे कि आप फलां अमल करें आपको जन्नत मिलेगी, आप ये सवाल ना करें अभी दिखाओ कैसी है जन्नत। ये तो बनी इसराइल का सवाल हुआ, आप ये कहें ठीक है मैं सब्र करता हूँ, मेरी मौत के बाद तो जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। ईमान वाले की यह आदत होनी चाहिए। सहाबा ने कभी ऐसा सवाल नहीं किया, हुजूर आप जन्नत के तस्करे इतने करते हैं, ऐसी है वैसी है, कभी दिखाते नहीं आप? नहीं, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को यकीन था अगर नबी ने फरमाया तो मिलेगी ज़रूर। हर ईमान वाले के भी यही अकीदा हो। तीसरी एक बहुत बड़ी चीज़ इसके अंदर जो मिलती है, सामरी ने बछड़े को बोलने के काबिल कैसे बनाया था? वाकया मैंने बताया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे की मट्टी उठाया था उसने और वो लाकर बछड़े के मुंह में डाल दिया था। बछड़ा कौन सा? मेटल का, सोने चांदी से पिघलाया हुआ, और बोलने लगा था, बोलने लगा था। तो मेरे अजीज़ों, ये कुरान की आयत में पढ़ रहा हूँ, यहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे की मट्टी में इतनी तासीर है कि मेटल का बछड़ा बोल सकता है, तो खाके पाए रसूल में कितनी ताकत होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहाँ कदम रखें क्या उसमें तासीर नहीं हो सकती? इसीलिए तो मदीने की मट्टी को खाके शिफा कहा जाता है। क्यों? खाके शिफा का मतलब है शिफा देने वाली मट्टी। ये मट्टी में शिफा कहाँ से आई? इसलिए कि कदम रसूलुल्लाह के पड़े हुए हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम पाक। अब आप अंदाज़ा करें, एक बेजान चीज़ को बोलने के काबिल बनाया जा सकता है, तो जो गूंगे हैं बोल नहीं सकते। मेरा अकीदा यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई तबर्रुक उन्हें दे दिया जाए तो इंशाअल्लाह उनकी ज़ुबान भी खुल जाएगी, ज़ुबान खुल सकती। बेजान बछड़ा बोल सकता है तो जिसको ऑलरेडी ज़ुबान है, ततलाता है, हकलाता है, मुँह मुबारक का पानी पिलाया जाए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल जो भी तबर्रुक मिले उसे पेश किया जाए, मेरा यकीन है इंशाअल्लाह अल्लाह उसे इसकी बरकत से शिफा ज़रूर अता करेगा। ये चीज़ें थी बछड़े की।
ये जो बछड़े का तस्करा आया है वो ये है। अच्छा, अब एक चौथी बात, लोग ऐसी पूजा में लग गए इस बछड़े की कि छोड़ते नहीं थे। मूसा अलैहि सलाम ने मना किया तब भी नहीं छोड़ रहे थे। अच्छा, लोगों को कत्ल किया गया, पूरे नहीं मरे, दिन भर कत्लेआम इतना हुआ कि वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। अल्लाह तबारक ताला ने तख़फीफ फरमाई, क्या भी इनको छोड़ दिया जाए। तो जो बचे थे तौबा कर चुके थे, सच्चे ईमान वाले थे, लेकिन कई सालों तक वो मोहब्बत उनके दिल से जाती नहीं थी बछड़े की, बछड़े की, चूँकि वो बार बार देख रहे थे बछड़ा जो भी बोलता होगा वो दिमाग में बार बार आ जाती थी। तस्करा करते करते अचानक बछड़े की बात कर जाते थे, कह रहे वो बछड़ा तो हमारा ऐसा था, बछड़ा तो वैसा था। तो कुछ यादें जल्दी जाती नहीं हैं, तो गुमराही की यादें निकालना ये बहुत अहम काम है। मिसाल के तौर पर बरसों पहले आप कोई गलत काम कर रहे थे, अब छोड़ करके तौबा करके आ चुके हैं, तो अब यहाँ सबसे बड़ा काम ये होता है कि उसका दिमाग में ख्याल भी ना आए, इसके लिए टाइम लगता है। तो जब तक वो पूरा नहीं निकालोगे आप ईमान के कमाल के दर्जे को नहीं पहुँचोगे। आपको मालूम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जमात आई, उन्होंने पूछा कि हुजूर हमें कुछ हुक्म दे दें, हम बाहर से आते हैं, बीच में हमारे और आपके एक दूसरा दुश्मन कबीला है, हम आ नहीं सकते हर बार, बस वो चार महीने हैं जिसमें जंग हराम है, उसमें हम आते हैं आपके पास। तो हुजूर ने उनको हुक्म दिया चार चीज़ों का, नमाज का, रोज़े का, माल गनीमत का, और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का, और एक हदीस में हज का। और फिर फरमाया मैं चार चीज़ों से तुम्हें रोकता हूँ, चार चीज़ें कभी मत करना। वो चार चीज़ें क्या थी? हनी नकीर, दुब्बा, हिंतम, मुजयफत। ये चीज़ें चार प्यालों के नाम हुजूर ने गिनाए। कद्दू को काट करके बीच में से गोल होता है, अंदर का मग़ज़ निकालें तो खटोरी बन जाता है, उसको सुखा करके अरब वाले उसमें शराब डाल के पीते थे, लकड़ी का गिलास बनाते थे, लकड़ी गोल काट करके बीच में से उसका सब निकाल के एक गिलास बन जाता, उसमें शराब रखते थे। यानी बिल्कुल वो लोग ओरिजिनल चीज़ें, नेचुरल चीज़ें शराब के लिए इस्तेमाल करते थे। ये चार किस्म के प्याले हैं जिनका तस्करा मैंने अभी कहा। हुजूर ने फरमाया ये ख़त्म कर दो, ये प्याला, लकड़ी का प्याला, कद्दू से बनाया हुआ प्याला, वो कलिंगड़ से बनाया हुआ प्याला, ये ख़त्म कर दो, शराब की बात नहीं है इसमें, प्याले ख़त्म करो, प्याले तोड़ो। गए उन्होंने प्याले तोड़ दिए। इसमें हिकमत क्या है? मुहद्दिसीन फरमाते हैं शराब तो छोड़ना ही था उन्हें, लेकिन वो प्याले नहीं रखना है जिसमें शराब पीते थे। वजह यह है कि जब जब प्याला देखेंगे वो शराब याद आएगी, इसमें ऐसा पीते थे हम। ये इस्लाम है जो जड़ को ख़त्म करना चाहता है। आप जाहिर सी बात है उस बछड़े को तो ख़त्म किया गया, मार दिया गया, लेकिन हुक्म आया कि उसका तसव्वुर भी ना आए। उनके दिलों में वो रच बस गया था बछड़ा, जब देखो वो बछड़े का ही तस्करा करते थे। अब इस तरह के जो गुमराहियाँ आज तक लोगों के दिलों में हैं उन्हें ख़त्म करें। पहले कुछ लोग कुछ अमल करते थे जो नाजायज़ व हराम था, घरों में हमने तंबीह की, तलकीन की कि ये नाजायज़ है, हराम है, ना करें। छोड़ तो दिया उन्होंने, लेकिन जब जब वो ओकेशन आते हैं तब तब फिर से उनकी याद आती है। अब उसकी मिसाल आपको मैं बताऊं, शुरू की बात है कि मुहर्रम के ज़माने में पंजे उठा करके नाचने की आदत अक्सर लोगों को थी, बहुत सारे लोग, एक तरह से इसमें इबादत का तसव्वुर नहीं था लोगों को, बस ये कि एंटरटेनमेंट करना है, क्योंकि इबादत इस तरह से रोड और गलियों में नाच करके तो होती नहीं, ना वो इमाम हुसैन को राज़ी करने का मसला है, ना रब तबारक व ताला की बारगाह में कुछ पेश करने का मसला है। अगर इतने ही इबादत का शौक़ होता तो मस्जिदों में पंजे लेकर बैठ जाते, कुरान पाक पढ़ते, सबको मालूम है कि सबसे अफजल जगह ये है, वो इंटरटेनमेंट करते थे। तो इस वीडियो में वो ही अब हुआ ये कि हमने कहा कि ये बेहुर्मती हो रही है, मौला हुसैन के नाम पर बेहुर्मती हो रही है,
तो इस वीडियो में असल बात जिक्र किया गया है, पंजा तो आज तक इमाम हुसैन का मिला नहीं, जिक्र था कि जब पंजा मिला नहीं, हजरत अब्बास अलमबरदार के पंजे कटे थे ये सुना है रिवायात भी, लेकिन उसकी शबी उससे मिलती जुलती तस्वीर कुछ मिली नहीं। अब रही बात ताजिया का मसला, ताजिया जो है इसका मसला मुख्तलफ ही है, इतना मैं बताऊंगा कंफ्यूज नहीं होना। ताजिया को शरायत के साथ अगर बिठाया जाए तो जायज है, लेकिन वो शरायत पूरे करते नहीं लोग, और हमने अगर इतना ही शोशा खोल दिया तो बड़े बड़े दरवाजे लोग खोल देंगे। बात सिर्फ इतनी थी ताजिया की, इमाम हुसैन का जो रोजा है उस रोजे की शक्ल की कोई चीज बना करके आपने रख दिया, तो किसी भी बुजुर्ग के रोजे की शक्ल बना करके रखना मुस्तहसन है, कोई हराम काम नहीं है, नाजायज नहीं है। जैसे हम गुंबद खजरा बनाते हैं, खाने काबा बनाते हैं, होता है गुंबद खजरा जहां होगा हम ताजीम के साथ देखते हैं, लेकिन उसके साथ अगर ऐसे मामलात हों कि इसको ले करके सड़कों पे हम घूमेंगे नाचेंगे और फिर इस पर चढ़ावे करेंगे, फिर इसके साथ अपने अपने अकीदे जोड़ लेंगे, तो यहाँ से शैतान फिर गुमराह करना शुरू करता है। खैर ये बात अलग है ताजिया का, रही बात पंजे का, पंजे की जो लॉजिक है वो नहीं समझ में आई, मुझे कोई समझा दे। मैंने इससे कबल भी बहुत पहले ही कहा था, मैं खुद उठाऊंगा पंजे की क्या खसूसियत है। अगर इमाम हुसैन शहीद करबला रदल्ला तआला अन्हु के हाथ का निशान लेकर के कोई उठाकर घूमता है, मैं तो कहूँगा हाथ क्यों उठाते हो, उससे बेहतर है कि मौला हुसैन का कदम उठा करके घूमे, क्योंकि हमारे लिए उनके कदम तक पहुँचना भी बहुत दूर की बात है। बैल का रूप बनाया उसका, कदम उठा करके कोई घूमता हुआ नहीं दिखा मुझे, कोई तलवा उठा करके दिखा, तो इसमें हाथ की क्या खसूसियत है ये तो मुझे लॉजिक अब तक नहीं मालूम। बहरहाल एक टॉपिक अलग है, इसके अंदर जो खुराफात आ रही थी, इसके साथ औरतों मर्दों का साथ मिलना, गाने बाजे ढोल ताशे और तरह तरह के इसमें खुराफात लेकर के इसको कहां से कहां तक पहुंचाया था, शुरू किस लिए हुआ होगा मालूम नहीं, पहुंचा किस काम के लिए बहुत दूर चला। अब मैं जो बात कहने जा रहा था वो ये थी कि चंद सालों पहले हमने देखा बहुत खुराफात हो रही, एक जगह हमने कहा मना है, उन्होंने फौरन उसको ख़त्म कर दिया, नहीं करेंगे। हाँ मैंने ये कहा कि ठीक है मौला हुसैन के रोज़े की शक्ल बनाओ, हर घर में बना करके रखो, याद के लिए अच्छा है, अपने बच्चों को दिखाओ कि ये मौला हुसैन का रोज़ा है। हम जैसे गुंबद खजरा रखते हैं अपने घरों में, खाने काबा रखते हैं, इमाम हुसैन का रोज़ा रखने में कौन सी दिक्कत की बात है, मैं इतना ज़्यादा मुखालिफ नहीं हूँ उन चीज़ों का। रखो आप, पीतल का बनाते बनाओ, तांबे का बनाते बनाओ, सोने का बनाते हो बनाओ, उसमें हरज नहीं। हम जिस चीज़ की मुखालफत करते हैं वो खुराफात व हरामकारियाँ जिसको बाहर सड़कों पर किया जाता है, मैं उसका मुखालिफ। खैर बात आई बंद हो गई, लेकिन होता क्या था मालूम है, चंद दिनों के बाद ये भी सच दूसरा है, मुहर्रम आया बहुत जरूरी है, तो घर वाले कहते हैं कि हजरत वो तो बंद हैं लेकिन बच्चे वैसे ही नाच रहे हैं, हाथ ऐसे लंबे करके खुद पंजा बन गए और नाच रहे हैं। तो मैं इस चीज को मिसाल में इसलिए बता रहा हूँ कि बनी इसराइल बछड़े की पूजा करते थे, हुक्म आया उनके कत्ल का, कत्ल भी हुए, बछड़ा भी मार दिया गया, लेकिन जमाने तक उनके दिलों से बछड़े की मोहब्बत गई नहीं थी। वही जिक्र आज की आयत में मैंने पढ़ा है, अल्लाह फरमाता है ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات, फिर ये बछड़े को ऐसा लेकर के बैठे रहे जबकि इनके सामने खुली हुई निशानियां थी। وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ, अल्लाह फरमाता है इनके दिलों में ऐसा लगता है बछड़ा पिला दिया गया है, पी गए हैं बछड़े को, इतनी मोहब्बत थी। जबकि रोशन आयतें और दलीलें देखी, तो खुलासा यह है मेरे अजीजो, कहने का मतलब कि बाज चीजें गुमराहियां ऐसी हैं जिनको छोड़ने के बाद भी वो कचोके लगाती रहती हैं, बुरे गुनाह भी ऐसे हैं जिनको छोड़ने के बाद वो दोबारा दिमाग में वसवसे डालते रहते हैं। इन कामों को हतमी तौर पर अपने तस्वुर में भी ना आए
اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھیں اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم من شر الشیطان الرجیم اے اللہ مجھے میں پناہ مانگتا ہوں تیری مردود شیطان کی ان شرارتوں سے جو میرے دماغ میں ڈال رہا ہے. تو یہ اسی کی طرف سے ہوتی ہیں, وہ پرانے راستے پر لے جانا چاہتا ہے, گمراہی کی طرف لانا چاہتا ہے, وہ خرابیاں جن کو تم چھوڑ کر کے آئے ہو یاد دلاتا ہے ایک بار اور چلا جاؤ. اس کے لیے کثرت سے یہ پڑھا کریں, جب جب ایسا وسوسہ آئے کہیں اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. آج ہی صبح گناہ سے توبہ کیا, سوچا کہ نہیں کروں گا یہ گناہ, لیکن رات ہوتے ہی پھر خیال آیا ایک بار اور کر لو. میں بتا رہا ہوں فوراً اس وقت یہ پڑھو اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم, اے اللہ میں تو چھوڑ چکا تھا شیطان مردود, پھر مجھے لا رہا ہے وسوسے, میں تیری پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان کی شرارتوں سے. یہ باتیں یہاں تک ختم ہو گئیں. تو اس بچڑے کا ذکر ہم نے سورہ طہٰ میں بھی سنا ہے, اس میں یہ مینشن تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے, تو ان کے بعد میں جو وہاں کے لوگ تھے ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی. تو جو سورہ طہٰ ہے اس میں بہت ساری چیزیں نہیں بتائی گئی تھی, مینس بہت ڈیٹیل میں نہیں بتایا گیا تھا, بٹ اس ویڈیو میں مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت ہی ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ بچڑے کو کیسے بنایا گیا, اس کو کیسے جوان دی گئی, وہ کیسے بولنے لگا. تو اب مجھے پتا چلا کہ وہ بچڑا کہاں سے آیا تھا, کیونکہ مجھے یہی تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے تو بعد میں وہ بچڑا کہاں سے آیا, وہ مینس کیا سورس تھا کہ لوگوں نے اس کو ایک دم سے پوجا کے لیے کنسیڈر کر لیا اور پوجا کر کے اتنا زیادہ ماننے لگ گئے کہ مطلب ان کے لیے وہ بھگوان جیسا ہی ہو گیا تھا. تو یہ ہے اس کی ریئل سٹوری کہ انہوں نے سونے چاندی, لوگوں کا سونا چاندی اکٹھا کر کے اس کا ایک بیل کا روپ بنایا, اس کا پھر جو جبریل کے پیروں کی مٹی تھی وہ اس کے منہ میں ڈالنے کے بعد میں اس کو جوان بھی دے دی جس سے وہ بول بھی سکتا تھا. تو ایسے کر کے لوگ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے بیل کی بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی. تو یہ تو حقیقت ہوتی ہے کہ جب آپ کو صحیح ڈائریکشن نہیں ملتا اور جو بھی انسان آپ کو چمتکار دکھاتا ہے, اور مفتی سلمان اظہری صاحب نے بالکل صحیح بولا کہ آج کے ٹائم پہ بھی اگر کچھ ایسا میریکل لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے تو پھر وہ ایک دم سے سرپرائز ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مطلب ایسا کیسے ہو گیا ہے نا. جب تک کہ اگر تو سب کو پتا ہے کہ کچھ بیٹری ہے, کچھ ایسا کمپیوٹرائز ہے, تب تو چلو ٹھیک ہے, بٹ اگر کچھ ایسی چیز دکھتی ہے جو کہ بیونڈ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں تب بندہ ایک دم سے حیران ہو جاتا ہے. تو اس ٹائم پہ تو اوبویسلی لوگوں نے ایسے میریکلس شاید ہی کبھی دیکھے ہوں, تو ان لوگوں کے لیے تو اوبویسلی ان چیزوں پہ وشواس کرنا بہت ہی لازمی کہہ سکتے ہیں, لازمی تھا کہ وہ لوگ مطلب دے وے فورس ٹو ٹرسٹ آن دوز تھنگس, کیونکہ کچھ اور تو انہوں نے ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہوئی تھی. یہ بھی سچ ہے لوگوں کو صحیح ڈائریکشن ملنا بہت ضروری ہے, ادروائز گمراہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں لوگ. اور دجال کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے کہ دجال جب آئے گا, اور دو دجال اب ٹیکنالوجی اس ایج میں آئے گا جب ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہے, بٹ پھر بھی جب وہ لوگوں کو میریکلز کر کے دکھائے گا تو لوگ یہی سوچیں گے کہ یہی ہمارا خدا ہے اور اس کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیں گے. تو یہ سب چیزیں ہیں, تو اسی لیے انسان کو اپنا ایمان اتنا زیادہ اسٹرانگ رکھنا چاہیے کہ اس کو کوئی بھی بہلا پھسلا نہ سکے. تو بہت ہی اچھی ویڈیو ہے یہ, اس سے میری جو بچڑے والا ایک ڈاؤٹ تھا مجھے کہ وہ بچڑا کہاں سے آ گیا تھا اور کیوں اس کی پوجا ہونی سٹارٹ ہو گئی تھی, تو وہ اس ویڈیو کے تھرو بالکل کلیئر ہو گیا ہے. امید کرتی ہوں اس لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو, اگر پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے. اور آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں, بائے بائے.